डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक से मिलने उसके घर पहुंचे, मगर उन्हें शेरलॉक की जगह बिली मिला। बिली शेरलॉक के घर का काम किया करता था, वो शेरलॉक का विश्वास पात्र था। बिली ने डॉक्टर वॉटसन को देखा तो पास आकर बोला, सर आप शेरलॉक होम से मिलने आए हैं, तो माफी चाहता हूं आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि सर इस वक्त बहुत बिजी हैं और मेरा अनुमान है शायद वो आपसे मिल भी ना पाए। डॉक्टर वॉटसन बिना कुछ कहे पास ही रखी एक कुर्सी में बैठ गए। बिली डॉक्टर वॉटसन से बोला, शेरलॉक सर ने कल से अपने मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला, वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि उन्हें खाने पीने तक का होश नहीं। डॉक्टर वॉटसन चुपचाप कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे। एकाएक ही उनकी नजर पास में एक सोफे पर फैले कुछ कपड़ों पर पड़ी। डॉक्टर वॉटसन बिली से बोले, क्या यहां कोई महिला ठहरी है? बिली बोला, नहीं तो। फिर ये औरतों के कपड़े यहां क्या कर रहे हैं? बिली बोला, जी कल शेरलॉक सर इन कपड़ों को पहनकर एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर किसी काम से बाहर गए थे। डॉक्टर वॉटसन आश्चर्य से बोला, क्या? जी हाँ सर, इसके अलावा वो कल एक ऐसे फटेहाल व्यक्ति का भेष बनाकर भी गए थे जिसे देखकर ऐसे लगता था मानो जैसे उसे नौकरी की सख्त जरूरत हो। आप आराम से बैठिए, मैं इन्हें यहां से हटा देता हूं। बिली सोफे पर फैले उन कपड़ों को हटाते हुए बोला। डॉक्टर वॉटसन ने देखा कि कमरे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी किया गया था, खासकर खिड़की और दरवाजों के पर्दों में। सभी पर्दों को बदल दिया गया था और ये बात डॉक्टर वॉटसन के लिए चौंकाने वाली थी। उन्होंने बिली से पूछा, क्या यहां कोई मेहमान आया था? बिली बोला, जी हाँ, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री आए थे और उनके पीछे पीछे ही लॉर्ड कैंटलमेयर भी आए थे। डॉक्टर वॉटसन ने आश्चर्य से पूछा, लॉर्ड कैंटलमेयर? ये सब यहाँ क्यों आए थे? इसका मतलब मामला कुछ ज्यादा ही संगीन और महत्वपूर्ण है, क्या तुम इसके बारे में और कुछ जानते हो? जी हाँ सर, जानता हूँ। दरअसल ये मामला एक हीरे की चोरी का है। क्या वही बेशकीमती हीरा जिसके बारे में पिछले दिनों अखबार में भी छपा था? 10 करोड़ रुपए की कीमत का हीरा व्हाइट मून, जिसे पिछले दिनों किसी ने चुरा लिया था। जी हाँ सर, ये मामला शहर के एक प्रतिष्ठित और रईस व्यक्ति कैंटलमेयर की बेशकीमती हीरे की चोरी का था। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री चाहते थे कि शेरलॉक होम्स व्हाइट मून की चोरी का पता लगाए, लेकिन कैंटलमेयर के भावों को देखकर नहीं लग रहा था कि उन्हें शेरलॉक होम्स की काबिलियत पर भरोसा है। शुरू में वो इससे आश्वस्त नहीं लग रहे थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने उन्हें इस बात के लिए राजी किया था। ये सब सुनकर डॉक्टर वॉटसन मुस्कुराए। उसके बाद वॉटसन और बिली दोनों दूसरे कमरे में आ गए। वो कमरा शेरलॉक का स्टडी रूम था। सहसा बिली ने खिड़की से बाहर गली की तरफ नजर घुमाई और देखा गली में काफी भीड़ थी, लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। डॉक्टर वॉटसन की नजर भी खिड़की की तरफ उठी तो वह फिर से चौंक उठे। शेरलॉक की स्टडी टेबल वाली कुर्सी पर शेरलॉक बैठा था, उसकी पीठ डॉक्टर वॉटसन की तरफ थी। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन टेबल में रखे टेबल लैंप की वजह से वहां थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। लेकिन ये क्या, टेबल पर सिर झुकाए बैठा शेरलॉक कर क्या रहा था? उस टेबल में तो कुछ था भी नहीं, ना कोई कागज, ना कलम, ना ही कोई किताब। फिर शेरलॉक बिना वजह क्यों बैठा था? लेकिन जल्द ही डॉक्टर वॉटसन पूरा मामला समझ गए। उनके मुंह से कुछ आश्चर्य भरे शब्द निकले, अरे ये तो पुतला है, ये शेरलॉक का पुतला बनाकर यहां पर क्यों रखा है? बिली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी शेरलॉक सर की ही एक चाल है, मैंने ही उनके कहने पे ये पुतला तैयार करके यहां पे रखा है। लेकिन ये सब किस लिए हो रहा है? डॉक्टर वॉटसन ने पूछा। बिली ने बताया, ताकि बाहर खड़े आने जाने वाले लोगों को ऐसा लगे कि सर शेरलॉक अपने स्टडी रूम में बैठे अपने काम में मशगूल हैं। डॉक्टर वॉटसन ने फिर पूछा, ऐसा क्यों भला? बिली बोला, क्योंकि उन्होंने बाहर कुछ संदिग्ध लोगों को घूमते और अपने घर पे नजर रखे देखा है। ओ, अब समझा, डॉक्टर वॉटसन बोले। बिली आगे बोला, बाकी लोग तो आ जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी है जो लगातार घर पर निगाहें रखे हुए है। इतना कहकर बिली ने चुपके से हिला डुला कर शेरलॉक के पुतले की मुद्रा बदल डाली, ताकि बाहर से देखने पर लगे कि शेरलॉक वाकई वहां पे मौजूद है और एक सामान्य इंसान की तरह अपनी अवस्थाएं बदल रहा है। क्योंकि कोई भी काम करता इंसान एक ही मुद्रा में बैठा बहुत देर तक काम नहीं कर सकता। तभी शेरलॉक होम्स अपने बेडरूम से बाहर निकला
और डॉक्टर वॉटसन को अपने सामने देखकर वो चौंका। उसने बिली से कहा, बिली इससे पहले कि अंधेरा घिर आए तुम अभी जा सकते हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो। डॉक्टर वॉटसन बोला, होम्स आखिर माजरा क्या है? बिली कह रहा था तुमने दो दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, और ये तुम्हारा पुतला, ये सब किस लिए? शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन उस पुतले से कुछ दूरी पर खड़े थे। खिड़की के बाहर से देखने पर कमरे का वो हिस्सा दिखाई नहीं देता था जहां पर अभी शेरलॉक खड़ा था। शेरलॉक बोला, ये सब इसलिए किया गया है कि 10 करोड़ के हीरे की चोरी करने वाला इस केस पर अपनी बाज जैसी नजरें गड़ाए हुए है। उसे मालूम है कि ये केस मुझे सौंप दिया गया है, या फिर उसे इस बात का संदेह तो जरूर है। वो मेरी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। वो जरूर जानना चाहता होगा कि शेरलॉक घर से बाहर निकला या नहीं। इसीलिए मैंने अपना एक पुतला बनवाया, क्योंकि मैं घर पर तो बैठे नहीं रह सकता था। मैं एक बुढ़िया का भेस बनाकर उन लोगों की खबर लेने गया था। बुढ़िया के भेस में मैंने बहुत देर से अपने घर पर नजर रखे हुए उस आदमी की मदद भी ली। उसने मुझे सड़क पार कराई। बाद में उसका पीछा करके मैंने उसे एक एयर गन खरीदते देखा। शायद वो गन मेरे लिए ही है। मुझे लगता है कि वो इस खिड़की से मुझ पर निशाना लगाने की कोशिश करेगा। ये तो बहुत खतरनाक बात है। तुम्हारी जान खतरे में है शेरलॉक। हाँ, मेरे पेशे में तो ऐसे खतरे उठाने ही पड़ते हैं मेरे दोस्त। तो अब तुम क्या करोगे शेरलॉक? वॉटसन बोला। शेरलॉक ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाल के डॉक्टर वॉटसन को दी और बोला, फिलहाल तुम ये कागज लो, इस पर मैंने उस शातिर चोर का नाम लिख दिया है। वो है काउंट नेग्रेटो सिल्वियस। इसमें उसका एड्रेस भी है। तुम इसे ले जाकर स्कॉटलैंड यार्ड में इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड को दे दो। आगे वो देख लेंगे कि क्या करना है। डॉक्टर वॉटसन बोला, इसका मतलब बाहर जो आदमी तुम पे नजर रखे खड़ा है वो सिल्वियस का आदमी है? हाँ, वो मार्टिन है, सिल्वियस का पार्टनर। ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं, शेरलॉक ने जवाब दिया। ये जानने के बाद भी तुम उसे गिरफ्तार करवाने का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी मैं ये नहीं जानता कि सिल्वियस ने व्हाइट मून को कहां रखा है। अगर मैंने ऐसा किया तो सिल्वियस सावधान हो जाएगा और हीरा मेरी पहुंच से दूर जा सकता है। क्या हीरा सच में सिल्वियस ने चुराया है? हाँ, मुझे 100% यकीन है कि हीरा उसी के पास है। अच्छा, और इस विश्वास का कारण जान सकता हूँ? शेरलॉक बोला, उसे महंगे हीरे चुराने का शौक है, या कहें कि जुनून है। मैं उसकी पूरी बायोग्राफी जानता हूँ और उसकी तकनीक भी। इस हीरे को केवल वही चुरा सकता है। पुलिस भी इस बात को जानती है, लेकिन इस बार पुलिस बिना पक्के सबूतों के उस पर हाथ डालने की गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले भी पुलिस ऐसी गलती कर चुकी है और उसके परिणाम स्वरूप पुलिस को चोरी किए हुए हीरो से हाथ धोना पड़ा है, यानी वो सिल्वियस के हीरे हासिल नहीं कर सके। डॉक्टर वॉटसन बोला, ओह, तो इसीलिए इस बार ये केस तुम्हें सौंपा गया है? शेरलॉक ने जवाब दिया, इस बार अपराधी से पहले हीरे की बरामदगी ज्यादा जरूरी है। शातिर चोर सिल्वियस भी ये बात जानता है, इसलिए वो मेरी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। वो कभी कोई चूक नहीं करना चाहेगा। तभी बिली अंदर आया। उसके हाथ में एक कार्ड था। उसने वो कार्ड शेरलॉक को दे दिया। कोई व्यक्ति शेरलॉक से मिलना चाहता था। कार्ड पर लिखे नाम को पढ़कर शेरलॉक की भौंहें सिकुड़ गई। डॉक्टर वॉटसन ने पूछा, कौन है जो तुमसे मिलना चाहता है? शेरलॉक ने जवाब दिया, सिल्वियस आया है मुझसे मिलने। डॉक्टर वॉटसन आश्चर्य से बोले, क्या सिल्वियस? उसकी इतनी जरूरत की वो यहां भी आ पहुंचा? शेरलॉक बोला, हाँ मेरे दोस्त, जरूरत का नाम ही तो सिल्वियस है। अब तुम फौरन यहां से जाओ, और हाँ, उसकी नजरों से बचकर जाना। ये लोग काफी खतरनाक हैं होम्स, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए डॉक्टर वॉटसन पिछले दरवाजे से बाहर चले गए। शेरलॉक ने बिल्ली से कहा कि वो सिल्वियस को उसी कमरे में ले आए जहां उसका पुतला कुर्सी पर बैठा था, और वो खुद दूसरे कमरे में चला गया। बिली सिल्वियस को लेकर कमरे में आया। सिल्वियस एक लंबा चौड़ा और खतरनाक इंसान था। उसका चेहरा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से काला पड़ा हुआ था। उसने एक सभ्य इंसान की तरह अच्छे कपड़े पहने हुए थे और गले में नेक टाई भी बांधी हुई थी। उसके चेहरे में हल्की दाढ़ी मूछ भी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बिली ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद कमरे से बाहर चला गया। बिली ने दरवाजा बंद कर दिया। सहसा सिल्वियस की निगाहें एक तरफ बैठे शेरलॉक पर पड़ी। शेरलॉक की पीठ उसकी तरफ थी। शेरलॉक को देखकर सिल्वियस की नजर में बाज जैसी चमक आ गई। उसने अपने हाथ में थामी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और दबे पांव शेरलॉक की तरफ बढ़ा। उसके दांत कसकर भींचे हुए थे।
उसने शेरलॉक के सिर को निशाना बनाने के लिए छड़ी को हवा में ऊपर उठाया। उसका इरादा शेरलॉक की खोपड़ी को एक ही झटके में तोड़ने का था। वो शेरलॉक को खत्म करने के मकसद से आया था। जैसे ही सिल्वियस छड़ी से वार करने ही वाला था कि उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज आई, जरा ठहर जाओ मिस्टर सिल्वियस। ये आवाज सुनकर सिल्वियस उछलकर पीछे मुड़ा। पीछे नजर पड़ते ही उसके होश फाकता हो गए। शेरलॉक बेडरूम से मुस्कुराते हुए बाहर आ रहा था। वो बोला, ये डमी भी क्या चीज है, इससे आदमी के असली होने का धोखा हो जाता है। भौचक के खड़े सिल्वियस ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को नीचे कर लिया। उसकी मौजूदगी से विचलित हुए बिना शेरलॉक बोला, इस डमी को मैंने मोम के पुतले बनाने वाले फ्रेंच मॉडलर मिस्टर टेवेनियर से बनवाया है। वो अपने काम में उतने ही माहिर हैं जितना मिस्टर स्ट्रॉबेंजी, जो एयरगन बनाने में एक्सपर्ट हैं। एयरगन से मेरा क्या मतलब, सिल्वियस बोला। घबराओ नहीं, यहां ना तुम्हें अपनी छड़ी को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी ना ही एयरगन को। इन बातों का क्या मतलब है, मैं भला अपनी छड़ी और एयरगन तुम पे इस्तेमाल क्यों करूंगा, मेरी तुमसे दुश्मनी ही क्या है। ये काम तो तुम अभी करने वाले थे मेरे दोस्त, मेरे पुतले पर। अगर मैं बाहर नहीं आता तो तुम शायद उस बेचारे की खोपड़ी तोड़ चुके होते। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो आज तक मक्खी भी नहीं मारी। अच्छा, तो मेरी जानकारी के हिसाब से तुम अल्जीरिया में शेर के शिकार के लिए बहुत प्रसिद्ध हो। ओ, तो तुमने मेरा पूरा इतिहास पढ़ रखा है, तब तो तुम ये भी जानते होगे कि व्हाइट मून कहाँ है। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसे तुमने चुराया है। अब जल्दी से बता दो कि तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है। व्हाइट मून तो आसमान में होता है मेरे दोस्त। मैं उस आसमान वाले व्हाइट मून की बात नहीं कर रहा, मैं व्हाइट मून हीरे की बात कर रहा हूँ। अगर वो मेरे पास होता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आता। मैं तुम्हें नौकरों की तरह खरीद कर तुम्हें अपने पास बुलवाता, समझे। अच्छा, तो तुम यहाँ आए ही क्यों हो, होम्स ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि वो हीरा कहाँ है। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ना कि वो हीरा तुम्हारे पास है। वो हीरा मेरे पास नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि वो हीरा किसके पास है। हीरे की चोरी का केस तुम्हें यूं ही नहीं सौंपा गया है। तुम मुझे बता दो कि वो हीरा कहाँ और किसके पास है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों में आ जाऊंगा, जरा रुको। इतना कहकर शेरलॉक ने टेबल की दराज में से ताश की गड्डी निकाली। शेरलॉक बोला, मैं जानता हूं कि तुम ताश के अच्छे खिलाड़ी हो। हाँ हूं मैं एक अच्छा खिलाड़ी, मगर मैं यहां ताश खेलने नहीं आया। जानता हूं, पर तुम्हें ताश के रूल्स तो पता होंगे, इसलिए बता रहा हूं। ताश का कोई खिलाड़ी जब अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है तो बाकी के खिलाड़ी क्या करते हैं? दूसरे खिलाड़ी सरेंडर करते हैं। ट्रम्प कार्ड सबसे बड़ा कार्ड होता है। बिल्कुल ठीक कहा, अब तुम भी यही करो, यानी सरेंडर। मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक जाने से बचा सकता हूँ। तुम बाहर खड़े अपने साथी को भी बचा सकते हो जिसने एयरगन खरीदी है, सोच लो। हाँ एक मिनट, तुम अभी सोच रहे होगे कि मैंने अपना ट्रम्प कार्ड तो दिखाया ही नहीं। ये देखो, ये है मेरा ट्रम्प कार्ड। इतना कहकर शेरलॉक ने एक डायरी निकालकर उसे दिखाई। क्या है इस डायरी में? तुम्हारे सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है इसमें। ये क्या बकवास है, मैं एक शरीफ आदमी हूं। शरीफ आदमी? शरीफ आदमी हीरे का पता पूछते हुए मेरे पास नहीं आते। तुम मेरे किसी गुनाह को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश भी मत करो। शेरलॉक मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ये डायरी सुन लो। 13 फरवरी 1892, तुमने अपने साथी मार्टिन के साथ डिलक्स एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की। लुटेरे दो थे जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। उस ट्रेन में एक यात्री की सोने की चेन घड़ी लूट ली गई थी। वो चेन घड़ी अभी तुम्हारी जेब में है। उस यात्री का पता ढूंढने में कुछ तकलीफ तो हुई, मगर काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं तुम्हें उस यात्री का पता भी नहीं बताऊंगा, वरना तुम उस बेचारे को भी मार डालोगे। हाँ, पुलिस को जरूर उसका पता बताऊंगा, वो अपनी घड़ी के साथ तुमको भी पहचान लेगा, जो कि पुलिस को अभी भी तुम्हारे पास मिलेगी, और इस बात की गवाही बिली भी देगा। सिल्वियस का मुंह खुला का खुला रह गया। एकाएक ही उसका हाथ अपनी जेब की तरफ गया, जहां वो घड़ी एक चेन की मदद से उसकी जेब में रखी थी। तुम्हें इस घड़ी और उस ट्रेन डकैती के बारे में कैसे पता चला? मार्टिन ने मुझे उस वक्त बताया जब मैंने उससे समय पूछा। तब मैं एक बूढ़ी औरत के रूप में उससे मिला था। उसने ही मुझे बातों बातों में बताया कि उसके दोस्त यानी कि तुम्हारे पास एक सोने की चेन घड़ी है।
उस घड़ी का जिक्र आते ही मुझे उस ट्रेन डकैती की याद आई। मैं समझ गया था कि वो ट्रेन डकैती तुम्हारा ही काम था और पुलिस को आज भी उसके कसूरवार की तलाश है। और आगे सुनो, एक महीना पहले तुम्हारे सिर पर ब्लाइमर एस्टेट की मालकिन मिनी वॉरेंडर के कत्ल का केस भी हुआ था। उसमें भी तुम दोनों दोस्त सबूतों के अभाव में बच निकले। कत्ल की वजह बना वो क्लब हाउस जिसे तुम उसके हाथों जुए में हार गए थे। उससे वो क्लब हाउस वापस पाने के लिए ही तुमने उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को उसी एस्टेट के पिछवाड़े में गाड़ दी। पुलिस को लाश नहीं मिली और तुम्हारा जुर्म साबित नहीं हुआ, जबकि उस एस्टेट के किस हिस्से में उसकी लाश गड़ी है ये मैं बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता हूं। तुमने ये कैसे जाना? बहुत आसान था। एस्टेट की फालतू जमीन पर घास बहुत होती है, उसे खोदो, उसमें कुछ भरकर उस गड्ढे को वापस मिट्टी से भर दो तो घास उस पर दोबारा भी उगाती है। लेकिन जमीन की सामान्य उगी हुई घास और एक बार कट कर फिर से उगी हुई घास में फर्क आ जाता है। खुदी हुई जमीन भी पहले की जमीन के बराबर समतल नहीं हो पाती। बरसात का पानी जैसे ही जमीन पर पड़ता है तो जमीन वहां से एक आध इंच जरूर धस जाती है। इस फर्क को ढूंढ लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एक बार ऐसी जगह मिल जाए तो फिर उस जगह में दफन लाश को ढूंढ लेना कौन सा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर किसी के पास इतनी बड़ी एस्टेट की जमीन है तो भला एक लाश को दफनाने और कहां जा सकता है। सिल्वियस की आंखें बाहर को उबलने लगी थी। वो मन ही मन बोला, उफ, ये आदमी है या शैतान, ये तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ सकता है। सिल्वियस को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। उसने बहुत मुश्किल से खुद पर और अपने मनोभावों पर काबू किया, लेकिन शेरलॉक अभी भी चुप होने के लिए तैयार नहीं था। वो लगातार बोलने में था। शेरलॉक बोला, अब आते हैं व्हाइट मून हीरे पर। उसे व्हाइट हॉल से गायब किया गया। वो दो कोचमैन जो तुम्हें अपनी घोड़ा गाड़ी में वहां लेकर गए थे, मैं उनसे मिल चुका हूं। वो दोनों वक्त पड़ने पर गवाही देने जरूर आएंगे। सिल्वियस बोला, इससे ये साबित तो नहीं हुआ कि हीरा हमने चुराया है, क्योंकि घोड़ा गाड़ी तो किराए पर लेकर कोई भी वहां जाकर हीरा देख सकता है। सिल्वियस की आवाज अब थोड़ी हकलाने लगी थी। हाँ, जरूर देख सकता है, लेकिन हर कोई हीरा व्यापारी से हीरे की कटिंग का सौदा तो नहीं कर सकता ना। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो सिल्वियस, आइकी सैंडर्स। अब आइकी सैंडर्स ये कौन है? मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। तुम इसे बहुत अच्छी तरह जानते हो सिल्वियस, तुम्हारे जैसे हीरो के चोर ही वास्तव में ऐसे लोगों को जानते हैं। सैंडर्स चोरी किए हुए हीरो को काटने का धंधा करता है। अपराध जगत के अलावा मैं भी इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। तुमने हाल ही में उससे व्हाइट मून हीरे को चार हिस्सों में काटने की सौदेबाजी की है। तुम भले ही मुकर जाओ, लेकिन वो नहीं मुकरेगा, क्योंकि इससे उसका धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं चलने नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बात मानकर वो हीरा मुझे सौंप दो। इसे एक सौदा समझो। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले उन सारे गुनाहों से बचा लूंगा जिनका जिक्र अभी कुछ देर पहले मैंने किया, जो तुमने किए और जिनके लिए तुम अभी तक पकड़े नहीं गए। अपने उस दोस्त मार्टिन को भी अंदर बुला लो और उससे सलाह मशविरा कर लो। और हाँ, उससे कह दो कि अपनी एयरगन का इस्तेमाल यहां करने की कोशिश ना करे। वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसने वो एयरगन इसी काम के लिए खरीदी थी। नहीं, ये झूठ है। और झूठ को पकड़ना ही मेरा काम है। अगर ये झूठ है तो फिर वो हाथ में एयरगन लिए किसकी पहरेदारी कर रहा है? तुम्हारा दोस्त उस एयरगन को इसी मकसद से लाया था। अब ये और बात है कि भीड़ भरी सड़क से इस कमरे में मुझ पर निशाना लगा पाने का अवसर उसे नहीं मिला। लोग जानते हैं कि मैं यहां रहता हूं। वो उस पर बाज की तरह झपट पड़ते और उसे नोच डालते। वो गोली चलाता भी तो उसे सफलता नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि वहां से यहां कुर्सी पर बैठा जो शेरलॉक दिखाई दे रहा है वो असली शेरलॉक नहीं, मेरा पुतला है। बाहर से गोली का निशाना बना नहीं सकते थे, इसलिए तुमने प्लान को बदल लिया। बदले हुए प्लान के तहत ही तुम अंदर मुझे मारने के लिए आए थे, और इसलिए मुझे कुर्सी पर असावधान बैठा देखकर तुमने छड़ी का प्रहार मुझ पर करने की कोशिश की। अब तक सिल्वियस के होश पूरी तरह फाख्ता हो चुके थे। उसने हथियार डाल दिए और बोला, तुम बहुत शातिर हो। हाँ, हमने बिल्कुल ऐसा ही प्लान बनाया था। हमें शक था कि वो चोरी का पता लगाने का काम तुम्हें सौंपेंगे।
मैंने इसलिए मार्टिन को पहरे पर बिठाया ताकि वो तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रख सके। जब तुम बूढ़ी औरत का भेष बनाकर निकले तब वो तुरंत नहीं लेकिन बाद में तुम्हें पहचान गया था। वो इसलिए पहचान गया था क्योंकि असल में मैं भी यही चाहता था कि वो मुझे पहचान जाए। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो वो क्या उसके फरिश्ते भी मुझे नहीं पहचान सकते। दरअसल मैं इस बात की पुष्टि कर लेना चाहता था कि तुम उसके जरिए मेरे घर पर नजर रखे हो, क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा था तो इसका एक ही मतलब था कि मैं हीरा चुराने वाले के बहुत नजदीक था। मैं यही चाहता था कि मेरी हरकतों से तुम बौखला जाओ और यहाँ पर आओ। यह अच्छा रहा, तुम पर नजर रखने का प्लान तो मेरा था जबकि हम ही तुम्हारे प्लान में फंस गए। जब मार्टिन गन खरीदने गया तो उसे पता था कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। उसने जानबूझकर तुम्हें दिखाने के लिए गन खरीदी थी ताकि तुम डर जाओ और इस केस से अपने हाथ पीछे खींच लो, सिल्वियस ने हारे हुए स्वर में कहा। फिर उसके बाद तुम एक ऐसे फटेहाल व्यक्ति के भेष में बाहर निकले जिसे नौकरी की सख्त जरूरत हो। हमें तुम्हारी हरकतों से ये नहीं पता लग पा रहा था कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। उसने तुम्हें व्हाइट हॉल जाते भी देखा लेकिन वहां से तुम उसे चकमा देकर गायब हो गए थे। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि तुम हम पर शक कर भी रहे हो या नहीं। तुम्हें चकमा देकर गायब होना जरूरी था क्योंकि मुझे उस वक्त आईकी सेंडर्स के पास जाना था। अब सिल्वियस के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं था। उसने इशारे से मार्टिन को भी भीतर आने के लिए कहा। मार्टिन कुछ ना समझते हुए भीतर आ गया। सिल्वियस ने उससे कहा, देखो मार्टिन, हमारा खेल खत्म हो चुका है, हम फंस चुके हैं, लेकिन शेरलॉक होम्स हमें बचाने का एक मौका देना चाहता है। दांत भींचते हुए मार्टिन ने अपनी एयरगन बाहर निकाल ली और बोला, कैसा मौका? मैं अभी इसे गोली से उड़ा देता हूं। सिल्वियस ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका। इसकी जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुन लो, वो हमसे एक सौदा करना चाहता है। इसके बाद उसने शेरलॉक के सौदे के बारे में मार्टिन को बताया। सारी बातें सुनने के बाद मार्टिन की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। शेरलॉक ने लोहा गरम देखकर हथौड़ा मारा और बोला, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूं, वहां जाकर मैं वायलिन बजाऊंगा। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं सोचने के लिए, तुम आराम से सोच लो। जब मेरे बेडरूम से वायलिन की आवाज आनी बंद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अगर तुम मुझे वो हीरा सौंप देते हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों से बचा लूंगा, वरना तुम हीरा पाकर भी जेल ही जाओगे या फांसी चढ़ोगे। इतना कहकर शेरलॉक अपने बेडरूम में चला गया और वो दोनों बुत बने वहीं खड़े रहे। शेरलॉक के बेडरूम से वायलिन की आवाज आने लगी। दोनों को बेचैनी होने लगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद सिल्वियस बोला, क्या कहते हो मार्टिन? शेरलॉक शायद ठीक ही कह रहा है, वो जानता है कि हीरा हमारे ही पास है, लेकिन हीरा हमारे पास होने के बाद भी हम फांसी पर चढ़ गए तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? मार्टिन बोला, लेकिन तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मार्टिन, हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। मार्टिन बोला, अरे रास्ता है सिल्वियस, हम उसके घर पर हैं, हमारे पास मौका है, हम उसे मार डालते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि इसका कत्ल किसने किया, वो अकेला है और हम दो। उसे इतना बेवकूफ मत समझो मार्टिन, देखा नहीं वो किस दिलेरी से बात कर रहा है, उसे भी इस बात का अंदाजा होगा कि हम उसे मार सकते हैं। हथियार सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं उसके पास भी तो हो सकता है, वो वहां खिड़की के पास देखो, तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए उसने अपना पुतला बिठा रखा है। मार्टिन ने गुस्से से दांत पीसे, फिर दोनों ने उधर से अपना ध्यान हटाया और दूसरी तरफ की खिड़की के पास आ गए। बेडरूम से लगातार वायलिन की आवाज आ रही थी। दोनों बेचैनी के साथ जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मार्टिन ने पूछा, हीरा इस समय कहां पर है? सिल्वियस बोला, क्यों पूछ रहे हो? तभी खिड़की की तरफ से कुछ आहट हुई। सिल्वियस ने चौंकते हुए पूछा, यह आवाज कैसी थी? मार्टिन बोला, अरे आवाज को गोली मारो, उधर सड़क की तरफ से आई होगी, वहां बहुत शोरगुल रहता है। तुम कुछ कहना चाहते थे? सिल्वियस वापस खिड़की के पास आ गया और बाहर देखने लगा। पास ही टेबल के सामने कुर्सी पर शेरलॉक का पुतला सिर झुकाए बैठा था। देखो मैं चाहता हूं कि जैसे ही वो जासूस का बच्चा बाहर निकले हम उसे मार कर फेंक दें, जब तक उसके कत्ल का लोगों को पता चलेगा तब तक हम हीरे के साथ कहीं दूर निकल चुके होंगे, हम इस शहर को ही छोड़ देंगे, पुलिस हमारी खोज में लगी रहेगी, लेकिन जब हम हाथ आएंगे तभी तो हमारे गुनाहों की सजा हमें मिलेगी।
मार्टिन बोला। सिल्वियस बोला, शायद तुम ठीक सोच रहे हो मार्टिन, हीरा मेरे पास ही है, ये देखो। इतना कहते हुए सिल्वियस ने अपने कोट की आस्तीन ऊंची करके वहां बंधा हुआ हीरा मार्टिन को दिखाया। उस हीरे को देखकर मार्टिन की आंखें हीरे की तरह चमक उठी। मार्टिन बोला, तो ठीक है, तय रहा, हम उसे मारकर यहां से निकल जाते हैं। लेकिन 5 मिनट से तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, वो जासूस का बच्चा अब तक बाहर क्यों नहीं निकला? कमबख्त अभी तक वायलिन बजा रहा है, उसे अभी तक ये पता ही नहीं है कि मौत उसकी जिंदगी के तार हिलाने की तैयारी कर चुकी है। आओ देखते हैं। वो आगे बढ़ने को हुए ही थे कि ठीक उसी पल कुर्सी पर बैठा पुतला हिला हिला क्या पूरा उछल ही पड़ा। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही हीरा सिल्वियस के हाथों से निकलकर उस बुत के हाथों में पहुंच गया। दोनों बुरी तरह बौखला गए। सामने मुस्कुराता हुआ शेरलॉक खड़ा था, हीरा उसके हाथ में चमक रहा था। तुम यहां कैसे आ गए? तुम तो अंदर वायलिन बजा रहे थे। मेरे बेडरूम से गुप्त रास्ता यहां तक आता है, मैं चुपचाप यहां आकर बैठ गया था। तुमने जो बीच में एक आवाज सुनी थी वो तब हुई थी जब उस बुत को हटाकर मैं वहां बैठ रहा था। अगर तुम शेरलॉक होते तो उस आवाज को ऐसे ही ना जाने देते। मैं जानता था कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगे, इसलिए मैं पूरी तरह सावधान था। सिल्वियस गुस्से में आकर उसे मारने को झपटा। उसी पल डॉक्टर वॉटसन पुलिस के साथ अंदर आए। पुलिस ने तुरंत दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया। शेरलॉक बोला, बहुत बढ़िया, मैं जानता था कि तुम ऐसी कोई ना कोई हरकत करोगे, इसलिए मैंने वायलिन बजाने का ढोंग रचा। मार्टिन ने हैरानी से पूछा, अगर तुम यहां बैठे थे तो फिर वायलिन कौन बजा रहा था? वो तो अंदर ग्रामोफोन बज रहा था, शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस तुरंत दोनों चोरों को पकड़कर ले गई। उनके जाने के बाद हीरे के असली मालिक मिस्टर कैंटलमेयर कमरे में आए। उन्हें इस बात की सूचना पहले ही भेज दी गई थी। उन्होंने आते ही पूछा, हीरा कहाँ है? आप आराम से सांस तो लीजिए मिस्टर कैंटलमेयर, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका हीरा मिल चुका है, और हीरा इस समय जिसके कब्जे में है हम उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। मिस्टर कैंटलमेयर आश्चर्य से बोले, क्या उसे अभी तक पुलिस के हवाले नहीं किया गया? उसके लिए तो हमें वारंट चाहिए होगा। वारंट मिलने में क्या देरी है? उसके लिए फिर आपकी परमिशन की जरूरत होगी, शेरलॉक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, पुलिस के काम में मेरी परमिशन क्यों? क्योंकि हीरा इस वक्त आपकी कोट की जेब में है। क्या? मिस्टर कैंटलमेयर ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां उन्हें हीरे की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने उसे फौरन बाहर निकाला और उसकी जगमग रोशनी से उनकी आंखों की चमक भी बढ़ गई। 10 करोड़ की कीमत वाला व्हाइट मून उनके हाथ में था। सॉरी मिस्टर कैंटलमेयर, ये एक मजाक था, आपसे हाथ मिलाते वक्त मैंने ये हीरा आपके कोट की जेब में डाल दिया था। ओ, मैं समझ गया। शुरू में जब मैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ यहां आया था, मुझे तुम्हारी योग्यता पर संदेह था। मुझे लग रहा था शायद तुम हीरे का पता लगा नहीं पाओगे, लेकिन तुमने तो सचमुच ये कर दिखाया। तुमने बहुत अच्छा काम किया मिस्टर शेरलॉक होम्स। इस काम में डॉक्टर वॉटसन ने और बिली ने भी मेरी मदद की। होम्स का धन्यवाद करके वहां से जाते वक्त मिस्टर कैंटलमेयर के चेहरे पर हीरा मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहां पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे और मेरी कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।